नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। जितने चुनावी पंडित हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बता रहे। राजस्थान में बराबरी का मुकाबला बता रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हालता हुआ बता रहे हैं, तेलंगाना में फाइट से बिल्कुल बाहर बता रहे हैं, मिजोरम में गिनती ही नहीं कर। ऐसे हालात में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा एक बार फिर हिंदुत्व सनातन इस भाव को जगा करके आपके भीतर के उन सारे सवालों को दबाने की कोशिश कर रही है जो सवाल 50 दिन के इंतजार वाले थे, जो सवाल बहुत हुई महंगाई की मार इससे जुड़े हुए थे, जो सवाल रुपए के गिरते हुए स्तर यानी इज्जत, गिरती हुई इज्जत से जुड़े हुए थे, जो सवाल रोजगार से जुड़े हुए थे, जो सवाल खाते में 15 लाख रुपए आने से जुड़े हुए, जो सवाल भारतीय सेना एक के बदले 10 से वाले नारे से जुड़े हुए, जो सवाल नक्सलवाद घुसपैठ चीन को लाल आंखें दिखाने से जुड़े हुए, क्या इन सब से ध्यान भटकाने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, वह है हिंदुत्व सनातन यानी राजनीति में धर्म का ऐसा तड़का जिसकी खुशबू महक आपके दिमाग दिल में छा जाए और मुख्य मुद्दे एक बार फिर पर्दे के पीछे चले। कलकत्ता, बंगाल में कलकत्ता में परेड ग्राउंड है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड, एक ऐसा आयोजन 24 दिसंबर को होने जा रहा है। ये आयोजन 22 जनवरी को जो अयोध्या में होने वाला है, क्या उसकी उसका वार्म अप है, तैयारी है, और क्या 3 दिसंबर के बाद लोकसभा चुनाव ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदुत्व तो सनातन इसी के इर्द गिर्द चर्चाओं में उलझ जाएगा और फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर एक हिंदू हृदय सम्राट की तलाश, हिंदू हृदय सम्राट की छवि की तलाश करते हुए मतदाता फिर 5 किलो राशन, 81 करोड़ लोग जो उसके मोहताज हैं, आश्रित हैं, हंगर इंडेक्स सबको भूल करके खाली पेट फिर हरि का भजन कर 22 जनवरी इसकी शुरुआत जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, इसके बारे में हमने पहले आपको बताया था कैसे 5 लाख गांव, करीब 64 करोड़ परिवार, इनको राममय करने की कोशिश होगी चुनाव से तुरंत 2 महीने पहले, और जब राममय इंसान हो जाएगा तो फिर उसकी सांसारिक इच्छाएं वहीं पर दमित हो जाएंगी। फिर तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस दिशा में चुनाव को ले जाने की कोशिश होगी। लेकिन हम फिर चलते हैं बंगाल, जिस खबर को मैं लेके आया, 24 दिसंबर को ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में 1 लाख लोग इकट्ठा होंगे और 1 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करें, गीता के श्लोकों का उच्चारण करें। कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसका जो भाजपा की तरफ से भाजपा के बंगाल के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने बताया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो जानते भी नहीं है, बस मोदी जी तक हम पहुंचाने लेके गए। तो कहा यह जा रहा है कि भारतीय संस्कृत परिषद, सनातन संस्कृति संसद और मोतीलाल तीर्थ सेवा आश्रम, ये 3 संगठन हैं, ये 3 संगठन मिलकर के कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में
100,000 लोगों को इकट्ठा करके 100,000 लोगों द्वारा गीता श्लोकों का उच्चारण और पाठ करवाया। किसी साल फरवरी में इसमें एक संगठन ने नाडिया जिला जो है संवेदनशील जिला है वहां पर एक कुंभ का आयोजन करता है। अब ये आयोजन महत्वपूर्ण क्यों है? देश भर के अलग अलग कोनों में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, कहीं पे भी कोई समूह कोई संगठन तमाम आयोजन करवाता रहता है। कहीं उत्स होता है, कहीं मेला होता है, कहीं भागवत होता है, कहीं यज्ञ हवन होता है, लेकिन जिस पैमाने पर करवाया जाए और इसमें आमंत्रित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये तीनों संगठनों के प्रतिनिधि बंगाल भाजपा के अध्यक्ष जो हैं कलकत्ता सुकांत मजूमदार के साथ दिल्ली आए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उन्हें आमंत्रित किया, बाकायदा कहा है कि 24 दिसंबर को आप आइए और इस गीता पाठ में 100,000 लोगों के बीच आप भी अपनी सहभागिता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब अयोध्या का आयोजन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन आया था, जो कि पहले से ही साल भर से चर्चा हो रही है कि मोदी जी जाएंगे, तो उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य होगा, लेकिन अब एक महीने पहले और एक बार जीवन धन्य होगा, 22 से पहले करीब 28 दिन पहले 24 दिसंबर को जब 100,000 लोगों के साथ गीता पाठ करें। अब ये सवाल सुकांत मजूमदार से हुआ, स्थानीय कुछ पत्रकारों ने किया, तो मजूमदार साहब ने कहा नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, और इस संगठन के लोग, अब ये सुकांत मजूमदार कैसी जिम्मेदारी ली सोचने की बात है, उन्होंने कहा कि ये संगठन के लोग जो तीनों संगठन वाले हैं इनको हम जानते भी नहीं, हालांकि ये लोग विपक्षी विधायकों को भी आमंत्रित करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, ये लोग ममता बनर्जी को भी बुलाएंगे। अब ये दिल्ली आते समय क्या सारी जानकारी सुकांत मजूमदार को उन्होंने दी कि मोदी जी के बाद हम किसे किसे बुलाने वाले हैं? सवाल ये, खैर ये क्या बंगाल से एक नया प्रयोग होगा? बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू और मुस्लिम इन दोनों जनसंख्याओं के बीच, दोनों की जनसंख्या के बीच बाकी अन्य प्रदेशों के मुकाबले एक अलग संतुलन है। मुस्लिम तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों के मुकाबले अनुपात थोड़ा कम अंतर वाला। ऐसे में क्या बंगाल जिस फॉर्मूले को 2019 के चुनाव के पहले, 2022 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 80-20 का फॉर्मूला बताते थे, क्या उस फॉर्मूले को पैदा करने के लिए, उस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल की जमीन चुनी गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत में, वैज्ञानिक सिद्धांत में बहुत ज्यादा यकीन रखती है। न्यूटन को शायद सबसे बेहतर पढ़ा है मोदी जी, खैर डिग्री पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे भी पढ़ा बेहतर पढ़ा, वो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन, ये तो आपने 2 दशक पहले सुना होगा। तो क्या बंगाल की जमीन को इसलिए चुना गया है ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट करके कि कहीं से कोई एक्शन हो, फिर रिएक्शन हो, क्रिया हो, प्रतिक्रिया हो, और फिर 80-20 हो? क्या 10 साल में मोदी जी के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जिस उपलब्धि को लेकर के 2024 में जाएं? अब तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी मोदी जी के सुर बदले बदले से आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। वो लचीला हो गया जो कठोर आवाज थी, वो तपिश जिससे भ्रष्टाचारी झुलस जाते थे, वो आग बुझ चुकी है, क्योंकि भ्रष्टाचारी उनके पुत्र जिन पर आरोप है गंभीर
उनके खिलाफ जांच की भी पहल नहीं की जा रही है, इस्तीफा ले लेना, त्याग पत्र मांग लेना, ये तो बड़े दूर की बात। ऐसे हालात में क्या ये दिसंबर, 3 दिसंबर के बाद और शपथ ग्रहण जिसका भी हो सकता मई तक, क्या ये चुनाव पूरा हिंदुत्व और कट्टर हिंदू इस भाव को जगा करके फिर लड़ा जाए? 2002 गुजरात, जब से कट्टर हिंदुत्व और हिंदू हृदय सम्राट की छवि गढ़ी नरेंद्र मोदी, क्या 2024 22 साल बाद भी नरेंद्र मोदी का विकास इतना बड़ा नहीं हो पाया कि अब विकास का हाथ पकड़ करके चुनाव में उतरे? विकास वैसे ही कुपोषित और कमजोर नजर आ रहा है कि विकास पीछे छूट जाता है और फिर वही फायर ब्रांड हिंदुत्व उसकी संरचना चुनाव से पहले उसकी उसकी धार पर तेज देने का, तलवार की धार पर जैसे तेज देते हैं वैसे ही उसकी धार पर तेज देने का काम शुरू कर दिया जाए। खैर, कोलकाता का यह आयोजन इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं कि क्या 1/24 के चुनाव में फिर देश हिंदुत्व के भाव में, हिंदुत्व की भावना में बह करके मुख्य मुद्दों से गुमराह कर दिया जाएगा और फिर हिंदुत्व की धारा में बह चलेगा पूरा देश, कमल फिर खिल जाएगा? क्या ये प्रयोग मोदी जी का सफल हो पाएगा? हालांकि कोलकाता के प्रोग्राम से, कार्यक्रम से, इस भव्य आयोजन से भारतीय जनता पार्टी खुद को दूर दिखाने का कोशिश कर रही है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर भूमिका नहीं है तो इन संगठनों को 1 लाख नहीं 5 लाख लोग गीता पाठ करते 24 के चुनाव से 5 महीने पहले, राजनैतिक लोगों की उसमें उपस्थिति की क्या आवश्यकता है? सवाल ये है, प्रधानमंत्री मोदी की वहां उपस्थिति की क्या आवश्यकता है? किसी भी विधायक या सांसद की उपस्थिति की, ममता बनर्जी की उपस्थिति की, राहुल गांधी की उपस्थिति की, अखिलेश यादव की उपस्थिति की, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, किसी की उपस्थिति की क्या आवश्यकता? क्या बाकी लोगों से बेहतर मंत्रोच्चार ये लोग कर पाते हैं? और मोदी जी को मंत्रोच्चार के लिए बुलाने के पहले आजकल हाल में तमाम भाषण ऐसे हैं, सुन लेना चाहिए, उनके उच्चारण में तो वैसे ही तमाम गलतियां होने लगी, वहां फिसलती रहती है। काम भी बहुत है, चुनाव आने वाला है, 18 घंटे काम है। इस वक्त में आप गीता पाठ में बुला करके राजनीतिक शख्सियत को, दुनिया के सर्वाधिक व्यस्त लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बुला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप इनकार कुछ भी करें, लेकिन इसके भीतर छिपी मंशा कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इजाजत दीजिए मुझे, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, नमस्कार।